Good morning, students. Today I am here with a new chapter for class 8, and the name of the chapter is the Indian Constitution. Indian Constitution means Bharatiya Samvidhan. तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता चलना चाहिए कि संविधान क्या है. संविधान का मतलब होता है एक लिखित पुस्तक जिसके आधार पर पूरा देश चलता है. अब देखिए, इंग्लिश में आप बोलेंगे तो डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया रिटेन बुक और रिटेन डॉक्यूमेंट ऑन विच द होल कंट्री रन्स. आप देखे होंगे कि फॉर एग्जाम्पल आप देख लें कि अगर एक कोई खेल है, जैसे यू कैन टेक फुटबॉल. फुटबॉल लोग पैरों से खेलते हैं, उसमें रेफरी काम करते हैं, ठीक है. तो आप लोग इस खेल के माध्यम से समझने की कोशिश करें, फुटबॉल जो लोग मैच खेल रहे हैं उसमें जो पहले से ही नियम तय होते हैं फुटबॉल के कि सभी लोग उसको पैरों से खेलेंगे, कोई हाथ से नहीं खेलेगा. इफ देयर वुड बी नो रूल, अगर वहां कोई नियम कानून नहीं रहता है, कोई लॉज नहीं रहता है, तो क्या होता कि लोग कब फुटबॉल को हैंडबॉल बना देते पता नहीं चलता. कोई हाथ से मारने लगता, कोई हाथी से गोल कर देगा. तो उन सबको संभालने के लिए वहां पे कौन मौजूद रहता है? अ पर्सन हु नोज द लॉ ऑफ फुटबॉल. कौन? रेफरी. रेफरी क्या करता है? अगर खेल चल रहा है उस दौरान अगर कोई झगड़ा होता है तो वो उस झगड़े को खत्म करता है और वो ये तय करता है कि कानून के अनुसार अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फुटबॉल द गेम शुड गो. तो यहाँ पे संविधान का मतलब यही है. भारतीय संविधान का मतलब यही है कि भारत एक ऐसा देश है जो संविधान के मुताबिक ही चलता है. नोबडी कैन डू अकॉर्डिंग टू देयर विशेस. कोई भी पॉलिटिकल नेता या पॉलिटिकल पार्टी अगर चाहती है कि वो अपना मनमानी कर ले देश के अंदर, तो ऐसा संभव नहीं है. क्यों? क्योंकि भारत में संविधान है. तो आप देखिए, सेकंड में देखिए, व्हाई डज अ कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन. अब यहाँ सवाल क्लियर होना चाहिए आप लोगों का कि किसी भी देश को संविधान क्यों चाहिए. संविधान किसी भी देश को इसी वजह से चाहिए होता है ताकि वो देश प्रॉपरली फंक्शन करे बिना विवाद के, किसी तरीके का झगड़ा फसाद ना हो, और अगर हो भी तो उसे शांतिप्रिय ढंग से सुलझाया जाए. यही संविधान है. और देखिए आप लोग, ये मैं कहना चाहूँगा कि संविधान तो पूरी दुनिया में है, लेकिन कुछ ऐसे जिस देश के पास रिटेन डॉक्यूमेंट है, रिटेन संविधान है, ऐसा नहीं कि सभी डेमोक्रेसी है, ठीक है. अब वहाँ पे मोनार्की सिट भी हो सकता है. चाइना में आप देख सकते हैं कि एक ही पार्टी की सरकार चलती है वहाँ पे, वहाँ कोई दूसरी पार्टी नहीं होती है. अमेरिका है जहाँ पे सिर्फ दो ही पार्टियाँ हैं, और एक भारत भी है जहाँ पे तमाम पार्टियाँ हैं, बहुत सारी पार्टियाँ यहाँ पे हैं. तो डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं हो गया कि प्रजातंत्र और सभी जगह उतना ही प्रजातंत्र है जितना भारत में है. तो संविधान जो है, रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट ऑल्सो डिफाइंस द टाइप ऑफ डेमोक्रेसी द कंट्री इज हैविंग. कैसा डेमोक्रेसी वहाँ पे चल रहा है, उस देश के अंदर कैसा डेमोक्रेसी है. आप यहाँ पे देखें, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक नया एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि नेपाल के बारे में. नेपाल एक छोटा सा देश है, हमारा पड़ोसी देश है. वहाँ पे राजा कौन थे? किंग ज्ञानेंद्र वहाँ के राजा थे, और उनके पिता ने जो कि वहाँ राजा थे, उन्होंने डेमोक्रेटिक मोनार्की को चुना था. मीन्स राजशाही वहाँ पे थी, लेकिन वहाँ पे डेमोक्रेसी भी थी, प्रजातंत्र भी थी, उसके हिसाब से वो लोग चलते थे. लेकिन जब किंग ज्ञानेंद्र वहाँ पे आए, तो 1990 में एंड डेमोक्रेटिक सेटअप, उन्होंने जो प्रजातांत्रिक सेटअप उनके पिता जिस चीज़ को मानते थे उसको खत्म कर दिया है. तो जब 1990 में उसको खत्म किया गया, तो उसके विरोध में माओविस्ट आर्मी सिटीजंस प्रोटेस्ट. इसमें क्या बोला कि माओविस्ट का मतलब हो गया नक्सली लोग, और
आर्मी, वहां की जो सेना थी वो, और वहां नेपाल के सिटीजंस, ये सभी क्या करने लगे, विद्रोह करने लगे। किसके खिलाफ? तो सरकार, किंग ज्ञानेंद्र जो थे, जो मोनार्की शिप चाहते थे, उसका विरोध करने लगते हैं। और 2008 में आकर के नेपाल बिकम डेमोक्रेटिक। जब ज्यादा आंदोलन बढ़ जाता है, वो लोग रोक नहीं पाते हैं जो आम जनता को या सेना को या माओइस्ट को, तो 2008 में किंग ज्ञानेंद्र को मोनार्की शिप को खत्म करके और प्रजातांत्रिक शासन को बहाल करना पड़ता है। तो नेपाल में प्रजातांत्रिक शासन है इस वक्त। अब हम लोग देखते हैं, मेरे ख्याल से अब आप लोग को कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन किस देश में कैसा है, इस तरीके का एग्जाम्पल दिए हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और उसकी जरूरत क्या है किसी भी देश को। अब हम लोग देखते हैं की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में की फीचर्स क्या है। तो की फीचर्स टोटल है 5। फेडरलिज्म है पहला, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर है, फंडामेंटल राइट्स है, और सेक्युलरिज्म है। ये 5 तरीका का की फीचर्स भारतीय संविधान में है। तो हम लोग देखते हैं पार्लियामेंट, पहला देखते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। आप अपने यहां देख रहे हैं, हमारे यहाँ सबसे निचली स्तर की कौन सी सरकार चल रही है, ग्राम पंचायत चल रही है, उसके ऊपर स्टेट लेवल पे चल रहा है, हर स्टेट में अपना एक सीएम है, और एक सरकार चल रही है दिल्ली में, वो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाती है। तो मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक से ज्यादा प्रकार, एक से ज्यादा लेवल पे गवर्नमेंट्स काम करती है, तब उसे फेडरलिज्म कहा जाता है। और ऐसा नहीं है कि सारा पावर कंसंट्रेट है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसने बहुत सारे पावर्स दे रखे हैं किन्हें, अपने से निचले स्तर की सरकारों को, ताकि वो अपने प्रदेश में बढ़िया कर सके। अब देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, तो इस कैसे चुना जाता है, पहले तो जितने भी लोग 18 साल के ऊपर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, इलेक्शन के माध्यम से, एक हर 5 साल में हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं जिसमें हम लोग अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, तो इलेक्शंस के माध्यम से हम लोग चुनते हैं। इलेक्शंस का मतलब हो गया चुनाव। अब हम सभी लोगों के पास, जो भी 18 साल के ऊपर है इंडिया में, उसके पास है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सबको वोट देने का अधिकार है। और जब इलेक्शंस के दौरान हम लोग अपने प्रतिनिधि को वोट देते हैं और बाद में गिनती होता है और जो जीतते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। अब देखिए सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इसी प्रकार से इलेक्शन होता है, उसमें जो भी युवा होते हैं 18 साल के ऊपर, वो लोग क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और वो आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है। और वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद वो हम लोगों के लिए या देश चलाने के लिए कुछ कानून वगैरह बनाते हैं, जिसको सभी लोग मानते हैं और उसके हिसाब से देश चलता है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट हमारा है सेपरेशन ऑफ पावर। अब देखिए भारतीय संविधान में पावर्स को बांटा गया है, कौन सा, एक तो होता है लेजिस्लेचर, दूसरा हो गया एग्जीक्यूटिव, और तीसरा हो गया जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या करता है, वो हमारे लिए कानून बनाते हैं, हम लोगों के बारे में, हमारे सुविधा असुविधा के को देखते हुए वो कानून बनाते हैं। और एग्जीक्यूटिव क्या होता है, उसको लागू करते हैं। और जुडिशरी का मतलब हो गया न्यायालय, अगर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसी प्रकार का, तो उसे न्यायालय ही उसे सॉल्व करता है, उसका समाधान निकालता है साइंटिफिक ढंग से। वी डोंट हैव टू फाइट, अगर हमारे किसी के बीच में झगड़ा हो, विवाद हो, या राज्य स्तरीय, दो राज्य भी कभी कभी आपस में किसी बात को लेकर विवाद में पड़ जाते हैं, या फिर दो लोग जमीन के या घर के विवाद में पड़ जाते हैं, तो न्यायालय उसे खत्म करता है शांतिपूर्ण ढंग से, हमें उसमें मारपीट या झगड़ा फसाद करने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स तो आप लोग क्लास 5th-6th से ही पढ़ रहे हैं, और अभी आप लोग 8th में आ गए हैं, 8th तक में आ रहे हैं, तो आप लोग देखिए फंडामेंटल राइट्स आपको सबको क्लियर होना चाहिए। भारतीय संविधान हमें फंडामेंटल राइट्स देता है। फंडामेंटल राइट्स होता क्या है, हमको कुछ अधिकार देता है जिन अधिकारों को कोई भी नहीं छीन सकता, जैसे हमारे बोलने की स्वतंत्रता, किसी भी
किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, इस प्रकार के जो हमें आजादी मिला हुआ है वो उसी को फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। किसी भी हम लोग धर्म को मान सकते हैं, किसी भी भाषा को बोल सकते हैं, कोई हमें रोकने वाला हमारे देश में नहीं है। किसी भी प्रोफेशन को हम लोग चुन सकते हैं, ऐसा नहीं कि किसी जात के अंतर्गत हमारा जन्म कर्म हुआ है तो उसी के अंतर्गत हम लोग अपने पेशा को चुने, ऐसा कुछ नहीं है भारत में। ये सभी तरीके का आजादी है जो भारत सरकार हमें देती है। अब देखिए सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, सभी धर्मों का एक समान सम्मान करना, किसी भी धर्म के लोगों को प्रताड़ित न करना, या अगर वो माइनॉरिटी हैं तो उनको दबाना नहीं, उनको किसी तरीके से हम लोग रोकेंगे नहीं, उनको अगर अच्छा लग रहा है तो वो लोग अपने धर्म को मनाएं जिस तरीका से मनाना है, तो इसी को सेक्युलरिज्म कहा जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो जब मैं कल आपको अपलोड करूंगा तो इसी टॉपिक पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू।